please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बल ने चार आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये चारों आतंकी कुछ दिन पहले ही आतंकी संगठन में शामिल हुए थे। सुरक्षा बल ने इन चारों आतंकियों को एलओसी के पास से गिरफ्तार किया है और ये चार आतंकियों को पकड़ा गया है और इन्हें कुछ ही दिन पहले ये आतंकी संगठन में शामिल हुए थे, जिसके बाद इनको आज गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर के हंदवाड़ा से इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीर हम आपको इन लोगों की दिखा रहे हैं। ये वही आतंकी है जो कुछ दिन पहले आतंकी संगठन में शामिल हुए थे, लेकिन भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है और इनको गिरफ्तार किया गया है। रिफत हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। रिफत, ये कौन लोग हैं और किस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया? आपको बता दूं, ये जो पिक्चर्स है, कल इस पिक्चर जो है यहाँ पे वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पे, और ये रिफत आपकी आवाज हमें साफ नहीं आ रही है, और ये वही चार आतंकवादी हैं जिनको एलओसी के पास से गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी कामयाबी है ये भारतीय सेना के लिए, क्योंकि ये चार लोग अभी कुछ दिन पहले ही आतंकी संगठन में शामिल हुए थे, उसके बाद इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद भारतीय सेना इनको गिरफ्तार करने में कामयाब रही। तो ये वही उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते पहाड़ी नदियां रौद्र रूप में है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में पहाड़ी नदी के किनारे बना एक पक्का मकान देखते ही देखते नदी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि नदी के पानी के बहाव को देखते हुए इस मकान में रहने वाले लोग पहले ही घर को खाली कर चुके थे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक पूरा मकान नदी के कटाव में बहकर तेज बहाव में समा गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखते ही ये मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत ये रही कि इस मकान में कोई मौजूद नहीं था और जो परिवार था वो पहले ही उसको बाहर निकाल लिया गया था। और ये आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी चपेट में आकर ये मकान किस तरह से ढह गया। ये उत्तराखंड का मामला है जहां पर उफनती नदी में ये मकान समा गया। उत्तराखंड में मौसम के बिगड़े मिजाज की तस्वीरें नैनीताल जिले में भी आई। यहां के काला डूंगी में हाईवे पहाड़ी नदी के तेज बहाव में बह गया। बीच रास्ते में पानी बहने से दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई, जिसके बाद कुछ लोग पानी के तेज बहाव के बीच से ही वाहन निकालने लगे। देखा देखी बाइक सवार भी जान जोखिम में डालते हुए बहाव के बीच से ही बाइक निकालने लगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अपनी जान को जोखिम में लेकर ये दो बाइक सवार ये रास्ता पार कर रहे हैं। और ये नैनीताल की तस्वीरें हैं जहां पर नदियों ने अपना रौद्र रूप ले चुका है और काला डूंगी में हाईवे पहाड़ी नदी के तेज बहाव की वजह से बह गई और पूरा रास्ता पानी से लबालब हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने वाहनों को यहाँ से पार कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जो जनता है वो परेशान है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से जहां नदियां उफान पर हैं, वहीं पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट में पहाड़ का एक हिस्सा देखते ही देखते टूटकर उफनती नदी में समा गया। बताया गया कि तेज बारिश के चलते पहाड़ में कटाव हो गया, जिसके बाद पुल के नीचे का पूरा हिस्सा खिसकते हुए नदी में समा गया। गनीमत ये रही कि नदी के ऊपर बना एक पुल इसकी चपेट में आने से बच गया। और ये उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये पहाड़ का एक हिस्सा बारिश की वजह से ढह गया। और गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये ढह रहा था, उस वक्त जो पुल है उस पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी के जानमान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बेहद ही ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं जहां पर देखते ही देखते ये पहाड़ का हिस्सा ढह गया। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में अचानक पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर नीचे गिरने लगा। देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आकर गिर गया और सड़क के किनारे खड़ा ट्रक पूरी तरह से मलबे के नीचे दब गया। दरअसल
पहाड़ी से मलबा पहले धीरे धीरे गिर रहा था, जिसकी वजह से लोग पहले से ही इस इलाके से दूर चले गए थे और थोड़ी देर बाद ही तेज आवाज के साथ पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर आ गिरा। तो वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी बारिश के बाद ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन घाट समेत वहां के कई घाट पूरी तरह पानी में डूब गए। साथ ही विश्व प्रसिद्ध भगवान शिव की मूर्ति तक गंगा का पानी पहुंच गया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से गंगा के तटीय इलाकों से दूर रहने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ से गिरे पत्थरों की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिसके बाद रास्ते में फंसे मरीजों को कुछ लोग स्ट्रेचर पर लिटाकर वहां से निकालने लगे, जो कई घंटों से वहां फंसे हुए थे। इस दौरान रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं, जबकि फंसे हुए कुछ लोग अपना सामान लेकर पैदल जाते भी दिखे। पहाड़ से इतने बड़े पत्थर गिरे कि उन्हें हटाने के लिए कई मशीनों को लगाना पड़ा। कुछ लोग पैदल ही पत्थरों के ऊपर से निकलने लगे। हम यही गुहार लगा रहे हैं एसोसिएशन और सरकार से कि जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम और जो यहाँ पर NH21 का कार्य चल रहा है उसको जल्द से जल्द निकाले। रास्ते में फंसे हुए लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। 10:30 अब सुबह 8 बजे जाके लोग जाग रहे हैं, अब मशीनों का काम शुरू कर रहे हैं। रास्ता बंद होने की वजह से वहाँ सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को ही, जो घंटों तक वहाँ फंसे रहे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक हेलीकॉप्टर गंगा नदी में बहे कुछ लोगों की तलाश करने लगा। बताया गया कि शुक्रवार को 27 लोग नाव में बैठकर मवेशियों के लिए चारा लेने गए थे, लेकिन नाव पलटने से सभी लोग नदी में बह गए। जिनकी तलाश के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की मदद ली। इसके अलावा NDRF की टीम भी गंगा नदी में बहे लोगों की तलाश में लगाई गई। बताया गया कि नाव पर सवार 27 लोगों में 17 को बचा लिया गया, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग लापता हैं। इस बीच लापता लोगों के परिवार वालों ने उनके अपनों को खोजने के लिए चलाए गए ऑपरेशन को बेहद धीमा बताया, जिन्हें प्रशासनिक अधिकारी समझाते नजर आए। ये 4 NDRF के लोकल बोट विद लोकल जो उस नाव में सवार थे, उनको बैठा के उनको ज्यादा जानकारी है, पूरे उसमें टापू भ्रमण कर रहे हैं। लापता लोगों के परिवार वालों ने प्रशासन पर बगैर बताए गंगा में अचानक पानी छोड़ने का आरोप लगाया। इस बीच बिजनौर के ही राजा रामपुर में मवेशियों के लिए चारा काट रहे करीब 60 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद 8 नावों में भरकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा में नाव पलटने की जानकारी मिलने के बाद अफसरों को राहत और बचाव काम तेजी से करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के नजदीक रामपुर में पाइपलाइन पर एक बड़ा पत्थर गिर गया, जिससे पाइपलाइन फट गई और हजारों लीटर पानी झरने की तरह नीचे गिरने लगा। पानी का बहाव तेज होने की वजह से प्रशासन को पाइप जोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। निष्कासन के बाद दोबारा कांग्रेस में शामिल किए गए मणिशंकर अय्यर ने जम्मू कश्मीर को लेकर कहा है कि कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए अलगाववादियों से भी बात होनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने हुर्रियत को भी बातचीत का हिस्सा बनाए जाने की वकालत की है। साथ ही उन्होंने कश्मीर में लागू 35A का समर्थन करते हुए कहा कि 35A को संविधान में कायम रखना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को किसी प्रकार का डर ना लगे और उनका हक उनके हाथ से नहीं निकले। अधूरा रहेगा जब तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच साथ साथ चर्चा न हो। इसलिए मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान से कश्मीर पर बात इस विषय को किसी को छूना भी नहीं चाहिए कि 35A हमारे संविधान में है और उसको हटाने का कोई भी प्रयास किसी को भी नहीं करना चाहिए। He is free to express his opinion according to his will and wish, but the government does not or need not consider any of his suggestions. समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और राज्यसभा सांसद अमर सिंह के बीच तल्खियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पहले अमर सिंह ने आरोप लगाया कि वो आजम खान ने उनके और उनकी बेटियों के बारे में बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसके जवाब में आजम खान ने अमर सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि अमर सिंह हल्की शोहरत पाने और सत्ता पक्ष से फायदा उठाने के लिए निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने कभी भी उनकी बेटियों के बारे में कुछ नहीं बोला है। कलयुग का असुर हमारे
उत्तर प्रदेश में आजम खान के रूप में गिरी और कल उसने एक बयान दिया कि अच्छा होगा कि नवनगर के अमर सिंह को रास्ते में खींचा जाए और उनकी पत्नी की चीज़ की हत्या किया जाए और उनकी जवान हो रही बेटियों को ऊपर तेजाब डाले। ये शब्द न मेरे हैं न हो सकते हैं, सिर्फ हल्की शोहरत पाने के लिए, मुझसे वाद विवाद करने के लिए, सत्ता दल से उसका फ़ायदा उठाने के लिए, कम से कम इस ओछे स्तर पर न उतरा जाए तो अच्छा। देश भर में आज रक्षाबंधन हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के महाकाल में विशेष आरती का आयोजन किया गया है और भगवान महाकाल को भक्तों ने राखी बांधी। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु भी महाकाल मंदिर पहुंचे। माना जाता है कि सबसे पहले राखी भगवान महाकाल को बांधी गई। जिन बहनों के भाई नहीं हैं वो महाकाल को अपना भाई मानती हैं और आज के दिन महाकाल को राखी बांधती हैं।